गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारा टॉपिक है विज्ञानों का संस्करण अगस्त कॉम्टे के द्वारा। अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों का संस्करण किस प्रकार प्रस्तुत किया? अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों में सबसे पहले गणित शास्त्र को रखा, उसके बाद में खगोल शास्त्र को रखा, उसके बाद में भौतिक शास्त्र को रखा, उसके बाद में रसायन शास्त्र को रखा, उसके बाद में प्राणी शास्त्र को रखा और सबसे अंतिम में समाजशास्त्र के आधार समाजशास्त्र को रखा। तो अगस्त कॉम्टे ने संस्करण इस प्रकार क्यों किया? क्योंकि अगस्त कॉम्टे ने निर्भरता के सिद्धांत पर इस प्रकार का संस्करण प्रस्तुत किया। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, सबसे ज्यादा प्राचीन है, सबसे ज्यादा मान्य है, उसको यानी कि गणित शास्त्र को सबसे ऊपर रखा, उसके बाद में खगोल शास्त्र को रखा। स्थानीय घटनाओं के अवलोकन के लिए उन्होंने भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र को लिया। तो खगोल शास्त्र जो है वो गणित शास्त्र पर निर्भर है, भौतिक शास्त्र खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पर निर्भर है, रसायन शास्त्र जो है वो भौतिक शास्त्र खगोल शास्त्र और प्राणी शास्त्र पर निर्भर है। अब अगस्त कॉम्टे ने मानव के कार्य और उसकी रचना के बारे में अध्ययन करने के लिए प्राणी शास्त्र को रखा। तो प्राणी शास्त्र जो है रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पर निर्भर है। सबसे आखिर में सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहारों को समझने के लिए उन्होंने समाजशास्त्र को रखा। तो समाजशास्त्र जो है वो सबसे आखिर में अगस्त कॉम्टे द्वारा रखा गया। अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों का जो संस्करण प्रस्तुत किया उसमें सबसे ऊपर गणित शास्त्र, उसके बाद खगोल शास्त्र, उसके बाद भौतिक शास्त्र, उसके बाद रसायन शास्त्र, उसके बाद प्राणी शास्त्र, उसके बाद समाजशास्त्र। तो अगस्त कॉम्टे ने निर्भरता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का संस्करण प्रस्तुत किया। ये थी जानकारी संक्षिप्त में विज्ञानों के संस्करण की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।